मार्च को हमने विश्व गौरैया दिवस मनाया था। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सतपुरा साइंस वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने एक संकल्प लिया था कि हम छिंदवाड़ा जिले में 2000 गौरैया रानी स्पैरो को दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे, और उसका शुभारम्भ हमने किया था CCF फॉरेस्ट विभाग से। लगभग हमने अभी 1730 परिवारों में ये फराइया टांगा है, और आज आप लोगों के बीच में ये विनम्र, मेरे घर मैंने दो बर्ड हाउस लगाए हूँ, आगे और पीछे, और उसमें दोनों में चिरैया गुड़ी स्पैरो के छोटे छोटे से बच्चे हो गए। तो मेरे पापा मम्मी छोटे बच्चे सबको इतनी खुशी होती है, वो हमारे पापा को पैरालिसिस है, जान सर मिले हैं, वो एक हाथ से बॉटल लेके उनको पानी पिलाते हैं। तो ये इसकी आत्मसंतुष्टि आपको जो होगी, आपको फिर भी हम आपसे बहुत विनम्र अपील करेंगे कि ये मीठा काम आप लोग करें तो हमको बहुत खुशी होगी। That's why we have to keep the pot in pot water and food for them and other birds also. Nowadays too much heat is increasing because of global warming and cutting down of forest trees. So first of all we have to not cut the trees. How much space we are needing, that only we have to cut. In fact we have to not cut that also. And we have to plant more trees. We have to save life of birds also, because the tree and the forest are homes of wild animals. As we are living in the home, they also need the home for protecting themselves. This summer, we should plant trees and we should keep water and some food for birds in our home, so that they can have that. And sir said that our goraiya, that small birds are in endangered now, so we have to put some pots in water and we have to provide them home. Like last time also we have this type of function, it is already there, save sparrows. So sir has shown that house, which kind of house we can make, means it is not compulsory that we have to purchase it from the market. We can make it at our home also, like our kids can make, it is as a summer project. You make it and hang it in front of your house, so sparrows will get home. And I said that everybody understood that, but only understanding is not necessary. हमें उस चीज़ को implement करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इस समय देने का मतलब निकलेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग रोज़ देखते हैं कि कोई कुत्ता मर जाता है, कोई भी अनहोनी रोज़ देखते हैं, पर हम हमारे नेचर में यह है कि हमें पहले अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। वी डू नॉट बॉदर फॉर दैट, वी आर वरीड अबाउट आर वर्क ओनली। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम, मतलब मैं से आपको हम पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स इट। जब आप, जैसे देवांशी ने भी कहा था कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर द फैमिली मेम्बर्स, जब तक हमारे अंदर ये ख्यालात नहीं आएंगे, और ये बात कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, यू कैन नॉट रीड समवेयर एंड देन यू कैन फील इट। बची नहीं, तो मैं हर छिंदवाड़ा वासियों को ये निवेदन करूंगा कि भाई स्पैरो को बचाने के लिए हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें। आज हमें बॉम्बे में स्पैरो दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ये स्टार्ट किया था, वो हमारे स्कूल में भी हुआ, जिसमें उन्होंने बच्चों को और शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी दी और उनसे निवेदन किया कि ये आगे बढ़ाएं और लोगों तक फैलाएं। तो अरिहंत परिवार की तरफ से मैं दीपक सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम हमारे स्कूल में रखा।